दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल के 36वें मुकाबले में भिड़ने वाली है मुंबई इंडियंस से, और ये मैच आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पिछली बार राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को उनके घर में हराया था, और अब यहां पर मुंबई इंडियंस के पास पूरा मौका रहेगा अपनी हार का हिसाब बराबर और चुकता करने का। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक 8 मैच खेले हैं और उनमें से केवल दो मैचों में जीत दर्ज किए, तो उनको प्लेऑफ में जाने के लिए अपने बचे हुए 6 मैचों में से 6 मैच जीतने होंगे। वहीं मुंबई इंडियंस अब केवल 2 जीत दूर है आईपीएल 2019 के प्लेऑफ्स के क्वालिफिकेशन से, और दूसरे नंबर में पॉइंट्स टेबल में बनी हुई है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मैच के लिए दोनों ही टीम की मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे मैच प्रेडिक्शन की। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आईपीएल और क्रिकेट की मजेदार जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, यहां पर बात करते हैं सबसे पहले मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की। तो आपको बता दें कि यहां पर अपना पिछला मैच दिल्ली कैपिटल से मुंबई इंडियंस जीत कर आई है, तो यहां पर बहुत ज्यादा बदलाव हमें टीम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें प्लेइंग 11 की, तो यहां पर रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वहीं नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर ईशान किशन, नंबर 5 पर किरण पोलार्ड, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर कृणाल पांड्या खेलेंगे। वहीं नंबर 8 पर यहां पर बैन कटिंग की जगह पर जेसन बैरनडॉफ को मौका मिलेगा। वहीं नंबर 9 पर राहुल चाहर, नंबर 10 पर लसित मलिंगा और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह की प्लेइंग 11 रहने वाली है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की। वहीं अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की, तो यहां पर जॉस बटलर और राहुल त्रिपाठी ओपन करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 3 पर संजू सैमसन, नंबर 4 पर अजिंक्य रहाणे खेलेंगे। वहीं नंबर 5 पर एस्टन टर्नर की जगह स्टीवन स्मिथ को दोबारा से मौका मिल सकता है। नंबर 6 पर स्टुअर्ट बिनी, नंबर 7 पर जोफ्रा आर्चर खेलेंगे। वहीं बात करें बॉलिंग की, तो नंबर 8 पर श्रेयस गोपाल, नंबर 9 पर धवल कुलकर्णी, नंबर 10 पर जयदेव उनादकट, तो वहीं नंबर 11 पर यहां पर इश सोडी को यहां पर मौका दिया जा सकता है। तो इस तरह की प्लेइंग 11 रहने वाली है दोनों ही टीम्स की इस मैच में। अब बात करते हैं इस मैच की प्रेडिक्शन की। तो आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस के सभी प्लेयर्स की करंट फॉर्म जो है वो शानदार है। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स में अगर जॉस बटलर को छोड़ दिया जाए, तो यहां पर किसी की भी फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। वहीं होम ग्राउंड का फायदा यहां पर राजस्थान रॉयल्स को मिलेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहां पर मुंबई इंडियंस का पलड़ा राजस्थान रॉयल्स से थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग यहां पर कौन सी टीम इस मैच में जीतेगी और किस टीम का पलड़ा यहां पर भारी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आईपीएल और क्रिकेट की मजेदार जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं।